साउथ कोरियाई कार कंपनी किया ने काफी कम समय में इंडिया में अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। कंपनी की बाकी कारों के साथ ही बजट एमपीवी कैरेंस को भी देश में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। वहीं अब रिपोर्ट्स के मुताबिक किया अपनी इस एमपीवी कैरेंस को अपडेटेड अवतार में पेश करने की तैयारियां कर रही है। जी हाँ, जल्द ही हमें किया कैरेंस का अपडेटेड अवतार देखने को मिल सकता है। वेल हेलो एंड वेलकम टू ऑटोनेस्ट, मैं हूँ आपके साथ मनीषा। आपको बता दें कि कंपनी किया कैरेंस को 5 सीटर ऑप्शन में भी पेश कर सकती है, जिसके साथ ही इसके इंजन को भी अपडेट किया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ बदलाव हमें किया कैरेंस के अपडेट में देखने को मिलेंगे, कितना दमदार होगा इंजन। बात करें किया कैरेंस के अपडेट में मिलने वाले इंजन की, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें डीजल इंजन दिया जाएगा, जिसे आईएमटी ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा इसमें कंपनी 1.5 लीटर का इंजन दे सकती है, जिससे एमपीवी को 115 बीएचपी की पावर मिलेगी। इसके अलावा ये 6 स्पीड आईएमटी ट्रांसमिशन के साथ आ सकती है। कैसा है मौजूदा इंजन? किया की तरफ से कैरेंस को फिलहाल 3 इंजन ऑप्शंस के साथ पेश किया जाता है। इसमें आपको एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो कि 115 बीएचपी की पावर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं इसके दूसरे इंजन ऑप्शन के तौर पर 1.4 लीटर का TGDI इंजन दिया गया है, जिसे इसे 140 बीएचपी की पावर और 242 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके अलावा तीसरे इंजन ऑप्शन के तौर पर कंपनी 1.5 लीटर का डीजल इंजन देती है, जो इस एमपीवी को 115 bhp पावर के साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क आउटपुट देता है। इसके अलावा बात करें ट्रांसमिशन ऑप्शंस की, तो किया कैरेंस में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन आपको मिलते हैं। किन से है मुकाबला? भारतीय बाजार में किया कैरेंस को एक बजट एमपीवी के तौर पर पेश किया जाता है। वही बात करें इंडियन मार्केट में इसके कंपटीशन की, तो किया कैरेंस का सीधा मुकाबला मारुति अर्टिगा से होता है। वहीं अर्टिगा में कंपनी की तरफ से सिर्फ पेट्रोल इंजन ही दिया जाता है। इसके अलावा अर्टिगा को सीएनजी के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में भी ऑफर किया जाता है। बता दें कि अर्टिगा के अलावा बजट एमपीवी के तौर पर रेनो ट्राइबर भी मार्केट में अवेलेबल है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है किया कैरेंस के इस नए अवतार के लिए, और क्या आप भी 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में देखना चाहते हैं किया कैरेंस को। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।